सो गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं और आवाज़ हो सकता मेरी थोड़ी सी धीरे जाए, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अभी मुझे सिंदूर लगाना है, तो लगा लेती हूँ। अभी मैंने मेकअप तो निकाला था तो इसलिए लगाना भूल गई हूँ। बाबू देखो, आज हम सब ने ब्लैक ब्लैक पहना हुआ है। बाबू ने, मैंने, बाबू इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, क्या पहना है बाबू ने? ब्लैक ब्लैक। और जब तक हम मेकअप लुक निकाल रहे थे, बाबू ने सब अपना ख़राब कर लिया है। और अभी फिर से मैं बाबू को अच्छे से रेडी करूँगी। क्यों, अच्छे से रेडी होगी ना बाबू? कैसे? और मन्नी भी ब्लैक ही पहनी है। मन्नी यहाँ आओ। तो अभी मैं मन्नी की दिखाती हूँ, इधर आ जाओ, इधर आओ। तो सभी ने, आज मैंने सोचा था कि हम सब ब्लैक ब्लैक ही पहनेंगे। इधर आओ, इधर इधर। तो ये मन्नी भी हमारी ब्लैक, बाबू भी हमारी ब्लैक, हम सब ने पहना है क्या? हम भी ब्लैक पहनेंगे। तुम भी ब्लैक पहनोगे? क्या, इतना पानी भर गया? अच्छा, तो चलो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है? ए, हम जा रहे चेक लेने, चेक को भूल गए हम। तुमने याद क्यों नहीं दिलाया? याद क्यों नहीं दिलाया आपने? नहीं डालती रहती है, कोई बात नहीं करेगा आपके गंदी जगह। निकालोगी फिर? काम खिलाई फिर इससे, इसलिए हम बैठ गए। हम आप लोग चले, मेरा बच्चा चोनर आजाद कौन है? ये हमने जो है ना कैमरा फिट कर दिया था, और मैं गई हुई थी किचन में केक लेने, क्योंकि ये केक पहले ही ला के रख दिए थे। और आपको पता है कि इस टाइम शॉप वगैरह जल्दी बंद हो जाती है, तो इन सब की फ़ोटो शूट हो रही थी। तो मैंने कहा ये क्लिप मैं कट तो करने वाली नहीं, इनकी मस्ती इसमें डालूंगी, और अच्छा भी लग रहा है, तीनों लोग मिलकर फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। सो बस यहाँ पर अभी मैं केक लेने गई हूँ, और केक लेकर आऊँगी, तुरंत केक कट होगा। और इस टाइम हम तीन चार मुर्गी ही हैं केक कटिंग के लिए, और हमने किसी को इनवाइट नहीं किया है। सो चलो, यहाँ पर हम आ गए हैं किनारे, पे मैं फ्रंट कैमरे से आप लोगों से बात कर रही थी, और ये यहाँ पे कैमरा जो फिट था वो सब कुछ कैप्चर कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था। सो हमने कहा ये वाली भी क्लिप मैं डाल देती हूँ, इसको स्किप नहीं करूँगी, तो अच्छा लग रहा था। अभी फ्रंट कैमरे वाली भी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है? सो गाइस, ये देखो केक हम ले आए हैं, और ये रहा हमारा केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड जीतू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज आपके भैया का, जीजू का बर्थडे, तो जल्दी जल्दी से विश करो आप लोग। और ये है केक, कैसा लग रहा केक जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताना। और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे आज के दिन के लिए, है ना? हमारे चारों बच्चे, तीनों बच्चे, सरप्राइज हम लोग देना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, सरप्राइज सरप्राइज नहीं रह जाता है। और यहाँ के हमें बर्थडे मनाना पड़ा। पहले तो हम लोग ने सोचा था गांव में मनाएंगे, लेकिन इनका कुछ काम आ गया जो पॉसिबल नहीं हो पाया। अभी बस हम चारों मुर्गी हैं यहाँ पे, और कोई नहीं है। केक में ना देखो, केक में नजर है बाबू की, और बाबू की मैं बार बार हेयर कॉम कर रही, खराब कर ले रही है। और अभी इसके हेयर कटवाने भी नहीं है, मैंने सोचा था कटवा दूंगी, लेकिन फिर पकड़ में नहीं आई है। तो चलो अभी बाबू बहुत एक्साइटेड है केक काटने के लिए, मम्मा काटो, मम्मा काटो। तो चलो फटाफट से केक काट लेते हैं, फिर अभी आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है? मिलेगा जरूर। हैप्पी बर्थडे।
जयंती को मेरे बाबू को खिलाओ। पापा को खिला दीजिए। अरे पसी कर रहे हैं इतनी जल्दी। ये है एक हार किसका है? चार पांच हार है। हमारा दिल है आपके लिए बाबू। लो पकड़ो तो दोनों ले आओ ना। आइए वैसे भाई केक बहुत यम्मी है। गाइस केक हमने कट कर लिया है और बर्थडे इनका हो चुका है। बर्थडे हम लोगों ने मना लिया। क्यों? बर्थडे सबने हमने बाबू ने सबने मिलके बना लिया है। और अभी क्या होगी, केक खिलाई होगी। और केक कैसे खाते हैं हमारे यहाँ, बहुत जोरों तोड़ों से केक खाते हैं। और बाबू को आप देख लो, ये देखो मतलब इनका केक चल रहा है, कोई रस्म जैसे नहीं होती है। केक कटने के बाद एकदम जोरों से कूद पड़ना, तो वैसे ही सबकी कंडीशन है। ये देख लीजिए, सब लोग अपने अपने से निकल और चार लोग हैं, किसी को तो देना नहीं है, तो फिर मैं ऐसा कोई झंझट नहीं है। चारों मुर्गी मिलकर खाएंगे और इंजॉय भी करेंगे। देख लो भाई केक खिलाई रस्म हो रही है, जैसे होती है ना अलग से कोई रस्म, शादी की रस्म, वैसे ये केक खिलाई की रस्म है। तो चलो खुद बोलती बंद रहेगी। खुद गिरा रहे हो, उसको डांट रहे हो। सो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं अभी आप लोगों से, ठीक है? सो गाइस अभी हम जा रहे हैं इनके लिए खाना लेने, क्योंकि अभी इनको भूख लग गई। क्यों भूख लगी? तो अभी इनको भूख लगी है और इनके लिए ही सिर्फ खाना लाएंगे, और मेरा तो मन नहीं है। तो चलो फटाफट से चलते किचन। तो गाइस खाना आ चुका है और ये देखिए हम ला के रख दिए थे, पानी लेने चले गए थे। ये है पूरी सब्जी इनकी पसंद की, तो जल्दी से खा के बताओ कैसी बनी है, जल्दी से खाओ। हमको नहीं खिलाओ, हमको नहीं भूख है। मेरी फेवरेट है। तो इनका मन था खाने का कोहड़ी की सब्जी और पूरी। पहले मैंने बोला था कि पनीर बना लेते दम आलू, तो इन्होंने कहा नहीं हमें खाना है कोड़ी की सब्जी और पूरी। भाई बर्थडे जिसका उन्हीं की पसंद की चीज़ें बनी थी ना। सभी रात हो चुकी है, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों से वीडियो का एंड कर दूं। और सब कुछ हमारा हो चुका है, 11 बज चुके हैं, खाना पीना हो चुका है सभी का। मुझे तो भूख नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं केक खा ली हूँ, तो मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं खाऊं। और मैं केक इतना सा ही खाती हूँ, उसमें भी मेरा पेट भर जाता है। सो अभी सब लोग इन लोगों का चेंज वेंज करने का मन नहीं है। ये देखो बाबू की जीन्स उतर गई है, लेकिन टॉप नहीं उतरी है। तो बस हमने कहा कि चलो वीडियो का एंड कर दे, और फिर कल आप लोगों से मॉर्निंग में मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। तो बस कल मॉर्निंग में मिलते हैं आप लोगों से। तो चलो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। इनकी मस्ती चल रही है और बोल रही दिखा दो। लड़ाई। और आज सब लोगों ने मिक्स एंड मैच ब्लैक पहना था। मेरा मन था कि सब लोग ब्लैक पहने। यहाँ पे हम फेस वॉश कर लिए हैं, सारा मेकअप निकाल दिए हैं, तो अभी हम लगाने जा रहे थे पपाया जेल। तो हमने कहा चलो आप लोगों को दिखा दूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूँ, ये है स्टेमियो का पपाया जेल, प्योर एंड नेचुरल फॉर ऑल स्किन टाइप, यानी कि बिल्कुल ये नेचुरल है, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं मिला है जो हमारी स्किन को हार्म करे। और ये ऑल स्किन टाइप है, मतलब कोई भी स्किन वाले इसे लगा सकते हैं, ड्राई, सेंसिटिव, ऑयली कोई भी। और ये बहुत अच्छा है, और इसमें कोई भी ऐसी सुगंध वाली चीज़ नहीं मिली है जो आपको इरीटेट करे, बहुत अच्छा है। और कलर भी नहीं मिक्स है इसमें, कुछ भी नहीं है, ऑल स्किन टाइप, नो एडेड आर्टिफिशियल कलर फ्रेग्रेंस, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको कैसे यूज करना है सब कुछ पीछे मेंशन किया गया है। हाउ टू यूज़ क्लीन एंड फेस विथ वॉश सॉप
टेक ए स्मॉल, यानी कि आपको पहले अच्छे से साबुन से फेस को वॉश कर लेना है और उसके बाद थोड़ी सी क्वांटिटी लेके अपने फेस पे मसाज करके नेक पे और छोड़ देना है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसको मैन और वोमेंस दोनों लगा सकते हैं। तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। ये आपके जो एंटी रिंकल्स होते हैं उनको भी रिमूव कर देता है और नॉन स्टिकी जेल हेल्पफुल फॉर ऑल डे, मतलब ये बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने बताया कि इसमें बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं है और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है, नरिशिंग रखता है। सो चलो अभी मैं यहाँ से वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।